भैया आपका शुभ नाम बताएं। रजनीकांत तिवारी। भैया ये बताइए कि क्या कारण था कि आज प्रशासन को आपके ऊपर लाठी चार्ज करना पड़ा? यहाँ सर ऐसा है कि देखिए 2500 वर्ष 300 वर्ष से गरीब जनता संविदा श्रमिक के रूप में लगातार जो है अपना अस्थायी रूप से ड्यूटी कर रही, और एक तारीख से कंपनी उनकी ड्यूटी जो है बंद कर दी। जब जनता मजदूर गया तो कार्ड नहीं दिया गया उनको अंदर जाने के लिए, तो वहाँ पर चपका दिया ये ठेकेदार का कार्ड लो तो तुम अंदर जाओ, जबकि पर डे वो मजदूर केवल ठेकेदार का कार्ड लेता है और सारा हिंडाल्को प्रबंधन उसका देख रेख और काम कराता है। तो किन कारणों से आपका मुख्य कारण क्या था बैठने का धरने पे का ये कारण आप हमें बताएं। एक जो है ये कैंटीन का रेट बढ़ा दिए और कार्ड नहीं दिए मजदूर जब ड्यूटी। बोलिए। सरकार की जो न्यूनतम मजदूरी फिक्स की गई है हिंडाल्को प्रबंधन वो देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों ऐसा क्यों करना चाहती है, उसके पीछे का क्या मकसद है उनका? 500 वर्ष ये शोषण करते चले आए और आज तक ये देने का कभी नाम नहीं लिया, न एक रुपया कभी मजदूरों को ये दिए और न देना चाहते। आज पीएससी देखिए आप तो साथ में है, आंसू गैस और फायरिंग कर रही है मारने के लिए जनता को। 2500 औरतों को मार के जो है हाथ पर तोड़ दिया गया, चोट लग गई आपके साथ। बोलिए। आपके भी साथ तो ये दुर्व्यवहार किया गया कि आपका कैमरा वैमरा छीन लिया गया है, आपको भी धक्का मुक्की किया गया, COCT किया ना, अब उससे ज्यादा क्या बताया जा सकता है। योगी जी के राज में ये उम्मीद नहीं थी, बहुत मनो मुश्किल से ये गरीब जनता जो है उनको वोट देके अच्छे दिन है मोदी जी को और योगी जी को बनाई दिया, लेकिन अब अच्छे दिन आ गए, अब इससे अच्छा दिन मजदूरों के लिए क्या होगा, क्योंकि बीबी बच्चे भीख मांगने पर मजबूर हो गए रोड पर आ गए। कंपनी की क्या कमियां हैं जिन कमियों के वजह से आप लोग धरने पे बैठे थे? कंपनी हमेशा मजदूरों का शोषण ही करती आई है, कभी जो है इनके साथ अपना तो की भावना ही नहीं रखी। चंदा सिंह मूलर भाई, जब भी कुछ देना होता है तो कहती है तुम ठेकेदार के आदमी हो, काम लेना होता है तो कहते हैं हमारे आदमी हो, यही समस्या है। पिछले वार्ता में भी आप लोगों से बात हुई थी कि आप लोगों का न्यूनतम मजदूरी रेट जो है नए मजदूरी रेट के हिसाब से दिया जाएगा, तो इस संबंध में कंपनी ने आज तक आप लोगों के पुराने वार्ता के अनुसार रेट नहीं बढ़ाया? कभी रेट में समझौता ये किए थे DLC महोदय के सामने, लेकिन DLC सारे लोग हम तो यही जानते हैं कि लोग बिके हैं, समझौता करके जाते हैं, कंपनी कहती है हम नहीं मानेंगे, हम नहीं देंगे, चाहे तुमको जो मर्जी हो कर लो। तो DLC ने कभी कंपनी के ऊपर मुकदमा नहीं किया? कभी आप किया। लोगों के साथ DLC के अधिकारी खड़े नहीं रहे? 37-38 लोग मुकदमा भी DLC के यहाँ किए, आज तक DLC पता नहीं को संज्ञान में लिया कि नहीं लिया। आपके यहाँ के एक भाजपा के नेता जिला पंचायत के जनप्रतिनिधि मनीष श्रीवास्तव आए थे, उनके साथ भी धक्का मुक्की करके उनको ले जाया गया, तो वो क्या था, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हम लोग की समस्या सर जानने के लिए आए थे जी। और आके पूछ ही रहे थे कि उसी समय PSC अटैक कर दी और उनको भी मारे, उनको भी 200 डंटा मारे। देखिए आंसू गैस आती है, पुलिस प्रशासन मार रही है हम लोग को भगाने के लिए, जबरदस्ती हम लोग से काम कराता है, न खानी। अभी किसी को चोट भी लगा इस आंसू गैस के फायरिंग से? हमारे यहाँ लगा, पीछे लगा, ये तो आपका हाथ जल गया, आपका हाथ जल गया। आप दवा, इनको दवा करवाने ले जाओ, इनको दवा करवाने ले जाओ।